गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 57 में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 चंदना का स्कूल कहानी के अभ्यास के पाठ ज्ञान के 2 प्रश्नों का उत्तर लिखा था। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपने क, बाढ़ आने पर गांव का क्या हाल हुआ, चंदना ने किसे चिट्ठी लिखी और क्यों, प्रश्न क्वेश्चन नंबर ग, दलदली जमीन को कैसे ठीक किया गया, क्वेश्चन नंबर घ, राखी का उपहार किसने और किसे दिया, वह उपहार क्या था, क्वेश्चन नंबर अंग, चंदना अजीत को चिट्ठी नहीं लिखती तो क्या गांव की स्थिति ऐसी होती, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा, इस प्रश्न का उत्तर भी आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 57 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज आप क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूरे कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। यहाँ आप बच्चों ध्यान देंगे, ये रिक्त स्थान है, इसको आपको पूरा करना है। यहाँ चंदना के गाँव का नाम डैश, यहाँ रिक्त स्थान है था, क्या होगा, आनंदपुर। चंदना के गाँव का नाम आनंदपुर था, यहाँ आनंदपुर है, इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई शब्द किसी वाक्य में भरते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ख है, गांव वाले स्कूल वाले इलाके में इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि, फिर यहाँ आप देखेंगे डैश यानी रिक्त स्थान है, आप भरेंगे क्योंकि वहाँ की ज़मीन दलदली थी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन दलदली थी। फिर ग देखेंगे, ताई चाचियों ने मिलकर स्कूल के लिए, ताई चाचियों ने मिलकर स्कूल के लिए, फिर यहाँ देखेंगे रिक्त स्थान है तो आप यहाँ भरेंगे चित्र और रंगोली बनाया, ताई चाचियों ने मिलकर स्कूल के लिए चित्र और रंगोली बनाया। घ है, यहाँ रिक्त स्थान है, सबने वर्षा के मौसम से पहले ही 4 कमरों का स्कूल बना डाला, इसमें आप भरेंगे श्रम दान से हम, श्रम दान से हम, यानी श्रम दान से हम सबने, श्रम दान से हम सबने वर्षा के मौसम से पहले ही 4 कमरों का स्कूल बना डाला। अंग है, चंदना ने बड़ी, फिर है यहाँ पर डैश यानी रिक्त स्थान दिखाई, यानी चंदना ने बड़ी सूझ और हिम्मत दिखाई, चंदना ने बड़ी सूझ और हिम्मत दिखाई। अब बच्चों आप यहाँ देखेंगे शब्द ज्ञान है, यहाँ शब्द ज्ञान, यहाँ आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है तो सबसे पहले आप पर्यायवाची शब्द का परिभाषा जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो यानी कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी यहाँ नदी है तो इसका समान अर्थ मैंने इसी का अर्थ बताने वाले शब्द आप लिखेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नदी है तो यहाँ 2 लिखना है, सरिता और तटनी, नदी इसका पर्यायवाची शब्द होगा सरिता तटनी। यहाँ घर है, इसका होगा गृह और सदन, गृह और सदन। यहाँ ग है जमीन, इसका होगा भूमि धरा। घ है दोस्त, इसका होगा मित्र सखा। यहाँ अंग छोटा है, इसका आप होगा लघु और सूक्ष्म, लघु और सूक्ष्म। यहाँ गांव है, इसका होगा ग्राम और पुर, ग्राम और पुर। फिर यहाँ देखेंगे विलोम शब्द है, विलोम शब्द यानी विपरीत उल्टा, तो इसका होगा कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द यानी यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ छोटा यहाँ बड़ा होगा, अज्ञान है तो ज्ञान होगा, संगठित है तो विस्तृत होगा, शुभ है अशुभ, ऊंचा नीचा, गांव शहर। तो बच्चों आज आप लेक्चर 57 में आपने लेक्चर 57 में आपने पाठ ज्ञान के क्वेश्चन नंबर
1, 2 और 3 तथा शब्द ज्ञान के आपने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।